देखो और सीखो के वीडियो को लाइक करके चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है सारे बच्चे अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई खूब मन से कर रहे होंगे। कर रहे ना, बहुत अच्छी बात है बच्चों। ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना जानते हैं उतना आगे बढ़ेंगे और सारी क्लास में फर्स्ट आते रहेंगे, हमेशा नंबर वन पे आप हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इस तरह से हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला से श अक्षर लिखना। पिछली वीडियो में हमने बताया ना, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, जो बच्चे हम पुराने हैं हमारे चैनल से रेगुलर पढ़ रहे हैं, हमारे वीडियो से देखते हैं और अपनी पढ़ाई करते हैं, रेगुलर हैं जो चैनल पर हमारे जुड़े हुए, उनको तो सब कुछ पता होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए मैं एक लाइन ज़रूर कहना चाहूँगी। यदि आप छोटे बच्चे आपके घर में हैं और आप खुद भी बच्चे हैं तो आपको चाहिए कि हमारे रेगुलर वीडियो से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाने के बाद आप हमारे नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। ठीक है, और पिछली वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, घर में छोटे बच्चे में बहुत आसान तरीके से सारी चीज़ें बताते हैं सारे बच्चों को। ठीक है ना, तो चलिए अब बिना देर किए हुए पढ़ते हैं। तो क्या पढ़ेंगे हम? पिछली वीडियो में हमने श से तीन शब्द पढ़ाए थे, उसको मैं फिर से रिमाइंड करा देती हूँ, उसके बाद हम लोग लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या था? श से षटकोण, दूसरा श से षष्ठी और तीसरा श से षष्ठी देवी था। ठीक है ना, वो वाला स जो पेट फाड़ने वाला होता है ना, पौ की तरह बनाते हैं, जिसको हम मूर्धन्य सा भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसको जो पौ की तरह बनता है ना, स एक शल्यम वाला स्वाद र की तरह बनता है, उसको ऐसे हिंट करते हैं। और ये दूसरा है जो कि मूर्धन्य से कहते हैं, उसको तालव्य से कहते हैं, उसको मूर्धन्य से कहते हैं। तो मूर्धन्य से कहते हैं इसको, इसको बोलते हैं होठों से श। ठीक है, तो आज हमारी लिखने की बारी है श। श कितना आसान तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, फटाक से अपना हिंदी नोटबुक निकालिए और जल्दी से मेरे साथ लिखना शुरू कर दीजिए। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हिंदी नोटबुक निकालेंगे और उसमें एक लाइन पे स्लिपिंग लाइन देंगे, एक सीधी लेटाने वाली लाइन, जानते हैं ना आप, उसी को कहते हैं स्लिपिंग लाइन। तो एक लाइन दे दीजिए, उसके बाद से क्या करेंगे, इसमें दो डॉट देंगे, दो छोटे छोटे बिंदु लगा देंगे डॉट की तरह, उसको डॉट कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बिंदी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे दो डॉट लगाएंगे, एक नंबर वन नंबर टू, तो दूसरी डॉट है ना वहीं से क्या करेंगे, एक सीधी लाइन गिरा देंगे दूसरी वाली लाइन से। ठीक है, जो दाहिनी तरफ है राइट साइड में, ठीक है, दूसरी लाइन गिराएंगे उसको ऐसे, उसमें क्या करेंगे, एक बीचों बीच में एक डॉट दे देंगे। ओके, उसको जो पहली डॉट है ना वहाँ से दो स्टेप और करना है आपको, यहाँ से डॉट पे पहुँचेंगे, फिर यहाँ से दाहिने साइड मुड़ाते हुए, बाएँ बिल्कुल नहीं जाना है, लेफ्ट नहीं जाना है, राइट जाना है, राइट मुड़ाते हुए जो डॉट दिए हैं ना बीच में उस लाइन पे, वहीं पर ले जाके टच करा देंगे आराम से। देखिए हमारा कितना सुंदर अभी स नहीं बना है। हाँ, स बनाने के लिए एक स्टेप बताया ना, दो काम करना है, एक तो यहाँ ले जाके सटा देंगे आप डॉट में लगा देंगे, ठीक है, और दूसरा काम ये करना है जो पहली डॉट है ना वहाँ से उस डॉट के लिए सीधे बीच में काट देंगे, जैसे कि देखिए हम काट रहे हैं। ठीक है, इस तरह से कट हो गया, अब हमारा श तैयार हो गया। ठीक है, तो इसको आप भी बनाइए, बार बार बनाइए, जितना ज़्यादा बार बनाएंगे उतना अच्छे से बनाने आएगा और जितना पढ़ेंगे उतना पढ़ने की प्रैक्टिस होती रहेगी आपको। ठीक है बच्चों, चलिए अब इन्हीं बातों से वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करिए, चैनल से पहली बार जुड़े हैं जो लोग और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हम बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो से अवगत होते रहें। और पढ़ाई से रिलेटेड कोई बात पूछनी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें, प्लीज़ टेक केयर, गुड बाय एंड बाय।